एडिशनल एसपी और निगम आयुक्त ने पैदल किया भ्रमण, बिना मास्क पहने लोगों पर हुआ जुर्माना। सात लोगों के परिवार में चार दृष्टिहीन और तीन बच्चे, दाने दाने को है मोहताज, पत्रकारों ने की मदद। खुलेंगे सैलून और ब्यूटी पार्लर, जारी हुए अलग से गाइडलाइन के साथ निर्देश। अब गरीबों को और कम लागत पर उपलब्ध होगा उपचार, आनंद हॉस्पिटल आयुष्मान भारत योजना में हुआ शामिल। और ग्रामीण विकास विभाग की बैठक में कलेक्टर ने लिया जिले की 11 जनपदों के मनरेगा के कार्यों का जायजा। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दुकानें खुली तो मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना भी एक बड़ी चुनौती बन गई है, जिसके लिए प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस विभाग सतर्क है। गुरुवार को शहर के निगम आयुक्त राजेश शाही और एडिशनल एसपी शशांक गर्ग ने पैदल ही शहर का भ्रमण किया। उन्होंने पवारा चौक से लेकर ईएलसी चौक और ईएलसी चौक से लेकर कलेक्ट्रेट, जनपद और एसडीएम ऑफिस के पीछे तक पैनी नजर रखी और उन्हें 15 ऐसे लोग मिले जिन्होंने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया था, लिहाजा ऐसे सभी लोगों पर 100-100 रुपए का जुर्माना किया गया। यहां तक कि एक निगम कर्मचारी पर भी मास्क नहीं लगाने पर 100 रुपए का जुर्माना हुआ। निगम आयुक्त राजेश शाही ने बताया कि शहर में मास्क नहीं लगाने वालों पर 100 रुपए और सार्वजनिक स्थानों में थूकने वालों पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही बाजार में सामान लाने ले जाने की अनुमति है और देर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरे शहर में टोटल लॉकडाउन है। शाम 7 बजे के बाद शहर के 11 हिस्सों में पुलिस की सख्त निगरानी हो जाती है। दिनभर शहर के खुले रहने के कारण कई लोग देर शाम तक खरीदारी करने में लगे रहे और 7 बजे के बाद चौराहों से निकले तो फंस गए। ऐसे लोगों को यातायात पुलिस ने सख्त हदाय दी। यातायात डीएसपी ने बताया कि शाम 7 बजे से सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़कर पूरी तरह से शहर लॉकडाउन रखने के निर्देश हैं और इनका पालन करना जरूरी है। शासन स्तर पर जो प्रातः 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक लॉकडाउन पर छूट दी गई है, उसके बाद शाम को 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक टोटल लॉकडाउन कराने के निर्देश हैं, जिसका पालन कराया जा रहा है। ऐसे हरेक चौराहे पे 11 चौराहों पे हमारे प्वाइंट लगे हुए हैं, जो किसी प्रकार के परिवहन को, आवागमन को, जिसमें आकस्मिक सेवाएं एवं मेडिकल इमरजेंसी तथा अति आवश्यक कार्य की जो वस्तुएं हैं उनके परिवहन आवागमन में छूट दी गई है। उनके अतिरिक्त जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना कार्य से या किसी का सामान लेने के लिए यहां पर आए हैं, उन वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार सुमन ने सभी सैलून और पार्लर संचालकों को उक्त गाइडलाइन का पालन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए हैं। हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर में बुखार, जुकाम, खांसी और गले में खराश वाले व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर संचालक को प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइजर की उपलब्धता और उसका उपयोग ग्राहकों द्वारा किया जाना सुनिश्चित करना होगा। सभी केश शिल्पियों और स्टाफ के लिए फेस मास्क, हेड कवर और एप्रॉन का उपयोग हर समय करना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रत्येक ग्राहक के लिए पृथक से डिस्पोजेबल तौलिए पेपर उपयोग में लाया जाएगा। सैलून और पार्लर में उपयोग होने वाले सभी औजारों उपकरणों को एक बार उपयोग में लाने के बाद सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक हेयरकट के उपरांत स्टाफ को अपने हाथों को सैनिटाइज करने के साथ सभी कॉमन एरिया, फर्श, लिफ्ट, लाउंज, सीढ़ी और हेयरड्रेसर का डिसइंफेक्शन किया जाना अनिवार्य होगा। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में आज ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की सभी योजनाओं, विशेषकर मनरेगा योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश, एडिशनल सीईओ एस के गुप्ता, सभी जनपद पंचायतों के सीईओ, संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर सुमन ने बैठक में जिले के सभी 11 विकासखंडों की सभी ग्राम पंचायतों में संचालित मनरेगा के कार्यों की समीक्षा करते हुए जॉब कार्डधारियों की उपस्थिति, निर्धारित लक्ष्य, सृजित रोजगार, मानव दिवस और कार्यों की उपलब्धि की जानकारी प्राप्त की। जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीएस भदौरिया के निर्देशानुसार अपर जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति शालिनी शर्मा सिंह के मार्गदर्शन में पैरालीगल वॉलेंटियर सिंधु कमरे, प्रीति सहारे, सुरेंद्र दुखारे द्वारा सतनूर महाराष्ट्र बॉर्डर में आने वाले जरूरतमंद प्रवासी मजदूरों को सूखा नाश्ता और पानी के पैकेट वितरित किए गए। बुलेटिन वक्त चला, एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। इस लॉकडाउन के बीच घर में रहकर करें शॉपिंग। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब एवं शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं खुशियों की डिलीवरी अब आपके द्वार। आप घर पर रहें और कॉल या व्हाट्सएप के द्वारा खरीदें अपना मनपसंद होम अप्लायंसेस जैसे कूलर, एसी और रेफ्रिजरेटर। दिए गए विभिन्न नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें 9425147211, 9424906187, 7477068455।
घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब इतवारी बाजार छिंदवाड़ा एवं शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि पर राजीव भवन में प्रार्थना सभा आयोजित कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया गया। प्रार्थना सभा के प्रारंभ में जिला कांग्रेस अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी और अन्य सदस्यों द्वारा राजीव गांधी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला ने कहा कि एक प्रधानमंत्री के रूप में राजीव जी वास्तविक रूप में भारतवर्ष के नवनिर्माता थे। त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रणेता और संचार क्रांति के जनक के रूप में वे सदैव याद किए जाएंगे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्र के गौरव आदरणीय राजीव जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण किया और 2 मिनट का मौन रखकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राजीव जी एक युग निर्माता थे, उन्होंने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे 18 साल के बच्चों को मताधिकार देने, इसी प्रकार हमारा जो कंप्यूटर क्रांति हुई। भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर जुन्नारदेव कांग्रेस ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उपस्थित जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके ने स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित करने के बाद अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी सूचना क्रांति के जनक थे। वे बहुत ही धैर्यवान और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। स्वर्गीय गांधी की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेसजनों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके सहित नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा साहू, रमेश साहू सहित सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी मंडल मोहखेड़ में बीजेपी जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के निर्देशन में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। कोरोना महामारी के इस दौर में जनता को निरंतर अपनी सेवा दे रहे तहसीलदार दिनेश उइके और नायब तहसीलदार पूर्णिमा खंडायत, जनपद पंचायत सीईओ अरविंद बोरकर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर, खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर केएस बजाज और समस्त स्टाफ, थाना में पदस्थ सभी पुलिसकर्मियों सहित पल पल की खबरें देने वाले मीडिया समूह के सदस्यों का सम्मान सौसर विधानसभा के पूर्व विधायक नानाबाबू मोहड़ के द्वारा माला और गमछा देकर किया गया। लॉकडाउन को 2 महीने हो रहे और अब तक एक दिव्यांग परिवार है मदद का मोहताज। जब पत्रकारों को जानकारी मिली तो उन्होंने उनकी व्यथा सुनने के बाद अपनी ओर से भी कुछ मदद किया। हालांकि पत्रकारों के माध्यम से जब प्रशासन के नुमाइंदों की इसकी खबर लगी तो वे भी दिव्यांग के पास मदद लेकर पहुंचे। जिले के सौसर क्षेत्र में बेड़ी रोड गुर्जरखेड़ी के एक ही परिवार के 7 सदस्यों में से 4 दृष्टिहीन हैं और शेष 3 बच्चे हैं। सभी का गुजारा जामसावली मंदिर से होता था। लॉकडाउन में रोजगार बंद हुआ तो खाने पीने की समस्या हो गई। परिवार के बड़े सदस्य दृष्टिहीन दिनेश नागदवने ने बताया कि राशन कार्ड नहीं होने के चलते राशन नहीं मिल रहा है। विकलांग का प्रमाण पत्र है लेकिन पेंशन और शासन की ओर से किसी प्रकार की कोई सहायता भी नहीं मिल पा रही है। मकान नहीं है, किराए के मकान का किराया देने के पाने के कारण मकान मालिक भी मकान खाली करने का अल्टीमेटम दे रहा है। सौंसर से रमेश पातुरकर ने बताया कि तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला को जानकारी दी गई, वे दिव्यांगों तक मदद पहुंचाने का आश्वासन दिए हैं। हमारी परेशानी है कि हमको ना किसी से रोजगार है, ना कोई कमा सकते हैं, ना कोई बजट कर सकते हैं। कितने परिवार के सदस्य हैं आपके परिवार में? मेरे परिवार में 3 सदस्य हैं और उनके परिवार में 4 सदस्य हैं। अच्छा, 7 लोग हैं कुल। हाँ, तो सारे लोग मतलब दिखाई नहीं पड़ता क्या सारे लोगों को? सारे लोगों को दिखाई नहीं, 4 लोगों को दिखाई नहीं पड़ता। विकलांग संस्था से जुड़े होंगे ना? ये घर किराए का है क्या? सांसद प्रतिनिधि दौलत सिंह ठाकुर, कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन मिलकर जिले के किसानों को आ रही समस्याओं से अवगत कराया और उनकी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर सुमन द्वारा जल्द से जल्द किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए आश्वासन दिया गया। इस अवसर पर लोकतंत्र सेनानी अजय औरंगाबादकर और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र ठाकुर उपस्थित थे। बुलेटिन वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। लॉकडाउन में करें अपने समय का सदुपयोग। निधिश्री अकेडमी छिंदवाड़ा लेकर आए हैं यूपीएससी एवं पीएससी की तैयारियों के लिए ऑनलाइन निधिश्री यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है निधिश्री अकेडमी के नाम से, जिसमें मध्य प्रदेश पीएससी के सारे टॉपिक के वीडियोज बनाए गए हैं। ये वीडियोज आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट या मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लॉकडाउन के बाद हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तब तक आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए इसलिए आप यूट्यूब का सहारा लेके निधिश्री एकेडमी के चैनल को देख सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ ने जिलाध्यक्ष सौरभ कुमार सुमन से मिलकर बुधवार को गांधीगंज में सीज हुई दुकान शिव शंभू ट्रेडर्स को खोलने का निवेदन किया, जिसे मानते हुए कलेक्टर ने दुकान को खोलने के निर्देश जारी किए और संघ को सभी दुकानदारों से सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम पालन कराने के निर्देश भी दिए। बैठक में प्रतीक शुक्ला, आशुतोष डागर और अनु साहू उपस्थित थे। जब धन कमाने का केंद्र बन चुके अस्पताल की छवि खराब होती जा रही है, तब एक अस्पताल गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद को आगे आया है। आनंद हॉस्पिटल पिछले 5 सालों से छिंदवाड़ा वासियों को विभिन्न बीमारियों का बेहतर इलाज कम कीमत में उपलब्ध करा रहा है, जिसमें एक्सीडेंट केयर, पेट से संबंधित बीमारी, लेजर द्वारा पथरी और प्रोटेस्ट का इलाज, सांस एवं हृदय रोग, स्त्री और शिशु रोग जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज शामिल है। गरीबों को कम कीमत में बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। अब इस योजना के अंतर्गत जिले के आनंद अस्पताल को भी शामिल कर लिया गया है। इस उपलब्धि के साथ आनंद अस्पताल नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स द्वारा मान्यता प्राप्त छिंदवाड़ा का पहला अस्पताल बन गया है। अस्पताल के डायरेक्टर रत्नेश रघुवंशी ने बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य पैसे कमाना नहीं, वरन अधिक से अधिक लोगों को स्वस्थ करना है। उपचार समाज के हर वर्ग को मिले और गरीब व्यक्ति के इलाज में पैसा रोड़ा ना बने, इसी उद्देश्य के साथ अस्पताल ने आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, जिसे भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ी ही निष्ठा के साथ कोरोना महामारी से हमारी रक्षा कर रहे पुलिसकर्मियों के रूप में हमारे योद्धा, हमारे जवानों का, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर जनसेवा का सच्चा फर्ज निभाया, उनका सम्मान रेलवे स्टेशन चौक में डीएसपी अशोक तिवारी स्टेशन चौक पर अपनी सेवा दे रहे पुलिसकर्मियों का, उनके स्टाफ का, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सुरक्षा बल आरपीएफ के थाना प्रभारी मितेश कुमार, धर्मेंद्र कुमार, महिला आरक्षक एस के सैयाम, महिला आरक्षक एनपी सिंह और समस्त आरपीएफ स्टाफ का सम्मान किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्षद, नगर निगम सभापति शिव मालवीय, लोकतंत्र सेनानी दीनदयाल मोहने, भाजपा नेता हिमाचल ठाकुर, नितेश गुप्ता, कमलेश वर्मा, आकाश मिश्रा सहित अन्य उपस्थित रहे। उमरेठ थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोर डोंगरी पॉइंट पर तैनात हमारे कोरोना संक्रमण से बचाव में अहम भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धाओं, पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग अधिकारियों, समस्त कोटवार द्वारा कोरोना वायरस से बचाव, आम जनता को लॉकडाउन पालन करा रहे सभी को मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाने और के नियमों का पालन करने की समझाइश दी जा रही है। कोरोना योद्धाओं का द स्माइल हेल्थ फाउंडेशन की ओर से आभार पत्र देकर सम्मान किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रधान आरक्षक रामदयाल सरयाम, आरक्षक नितेश ठाकुर, आरक्षक कंचन विंझोड़े, आरक्षक सीता पवार, आरक्षक राजेश परतेथी का और समस्त कोटवार का आभार पत्र देकर सम्मानित किया गया। हर्रई मॉडल स्कूल क्वारंटीन सेंटर से आए हुए मजदूर राजेश उइके का 14 मई को स्वास्थ्य खराब होने के उपरांत हर्रई से छिंदवाड़ा जिला अस्पताल रेफर किया गया था, जिसको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था, जिसका ब्लड सैंपल विगत 15 मई को जबलपुर पहुंचाया गया था, जिसके ब्लड सैंपल की पहली रिपोर्ट फेल हो जाने के कारण रिपोर्ट नहीं आ पाई। उक्त मरीज का ब्लड सैंपल दोबारा पहुंचाया गया था, जिसकी रिपोर्ट आज निगेटिव आई है। इसके अलावा 3 अन्य का सैंपल भी पहुंचाया गया था, उन सभी की रिपोर्ट भी निगेटिव आई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।